नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार हूँ, आप देख रहे हैं एकीजी मीडिया। साथियों, बहन जी ने आकाश आनंद को तो उत्तर अधिकारी और साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है, और वहीं बहन जी के बाद में आकाश आनंद को पूरे देश की जिम्मेदारी संभालनी है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक सब कुछ, मतलब प्रॉपर जिम्मेदारी आकाश आनंद को पूरे भारत की दे दी गई है। पहले तो उत्तराखंड और यूपी छोड़कर बाकी राज्यों की दी गई थी, मगर इस बैठक में उनको सारी जिम्मेदारी दे दी गई पूरे भारत की। साथ ही वहीं इस बैठक के बाद में बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर वे मात्र एक उत्तराधिकारी बनाया। तो वहीं पर आकाश आनंद ने उसके बाद से अपना एक बयान दिया है, वो बयान काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, और आपको हम बताते हैं कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी व नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में जो पहला बयान दिया है वो आखिर क्या है। तो साथियों, उससे पहले आपको बता दें, करीब 47 यानी 47 दिन तक आकाश आनंद परिपक्व और बिल्कुल एकदम गायब थे। कोई ऐसा लग रहा था कि आकाश आनंद वापस ही नहीं लौटेंगे, मगर फिर भी आकाश आनंद 23 तारीख को जो समीक्षा बैठक थी, राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी, उसमें बहन जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। कहीं ना कहीं ये आप लोगों की बदौलत ही, इतनी मेहनत और इतने प्रयास किए हैं। लगातार 4 दिन तक ट्विटर पर आकाश आनंद की वापसी की मांग ट्रेंड करता रहा, तो कहीं ना कहीं बहन जी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए आकाश आनंद को वापस किया है। और अब हम आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने आखिर क्या बड़ा बयान दिया है उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं, आकाश आनंद ने अपने सोशल हैंडल साइट एक्स जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं, बहुजन समाज के उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली बाबा साहब की मिशन के लिए समर्पित करोड़ों दलित बच्चों के सपनों को साकार करने वाली बहुजन समाज की प्रेरणा स्रोत आदरणीय बहन मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त। आदरणीय बहन जी ने एक बार अहम जिम्मेदारी दी और उसे पूरी जान से निभाना है। जय भीम, जय भारत। साथियों, आकाश आनंद ने लिखा है इस बात को लेकर कि बहन जी यानी मायावती जी बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलती हैं, करीब करोड़ों अरबों लोगों को उनके विचारधारों पर चलने को सिखाती हैं, और उन्हीं के तहत इनको दोबारा जिम्मेदारी मिली है, तो उसको बहुत सही तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे आकाश आनंद ने अपनी ये प्रतिक्रिया। अभी हमने आपको बताया कि आकाश ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी थी बहन जी के बाद, उनका जो बयान आया था वो हमने आपको बताया है। तो आपको इनके बयान के बारे में आपको क्या लगता है, और इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जोड़ दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।